पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के लालू यादव की प्रशंसा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाने के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चर्चा में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते रहे हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया है, उन्होंने न्यायालय पर उंगली उठाई है। देखो, दिग्विजय कानून ने सजा दी है, मोदी जी ने नहीं दी है। अब जैसे संवैधानिक संस्था कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हमेशा उंगली उठाते रहे। जब दिग्विजय सिंह सेना पे उंगली उठा सकते हैं तो न्यायालय पे क्या बात है। उन्होंने न्यायालय पे उठा दी, ये लालू के लिए पक्ष थोड़ी थी, उन्होंने न्यायालय पे उंगली उठाई है। उनका काम ही ये है, तभी तो आप चर्चा में लोगे उनको। EVM पे उंगली उठा दो, चुनाव आयोग पे उंगली उठा दो, न्यायालय पे उंगली उठा दो, सेना पे उंगली उठा दो, पता नहीं राम जाने किस मानसिकता के हैं। ये सारी उंगलियां देखो जनता पसंद नहीं करती है, परिणामों से भी सबक नहीं ले रहे हैं। भोपाल में लड़े थे वो तो। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।